हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स की जिसकी प्राइस होगी 10,000 के अंदर। हम देखेंगे इन मोबाइल्स की प्राइस, इसके लॉन्च डेट, इसकी फुल इंस्पेक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। मैं हूं वसी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। आता है सैमसंग गैलेक्सी A12। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 3GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सैमसंग का एक्सनॉस 7 Octa 7885 है, डिस्प्ले इसमें 5.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें डुअल रियर कैमरा है 16+2 MP का और फ्रंट कैमरा इसमें 13 MP का। स्टोरेज इसमें 32GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 8,990 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 8,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं सैमसंग इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है इन्फिनिक्स नोट 7। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का हेलो G70 है, डिस्प्ले इसमें 6.95 इंच का HD+ डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+2+2+2 MP का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 2TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 9,490 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 9,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं इन्फिनिक्स इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 13 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Xiaomi Poco C3। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 3GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का हेलो G80 है, डिस्प्ले इसमें 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 MP का और फ्रंट कैमरा इसमें 13 MP का। स्टोरेज इसमें 32GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5020 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 8,490 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 8,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का हेलो P22 है, डिस्प्ले इसमें 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+2+2+2 MP का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 MP का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 2TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी बट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 7,499। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 7,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं इन्फिनिक्स इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 13 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Honor 9C। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 710 है, डिस्प्ले इसमें 6.39 इंच का HD+ डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 MP का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 MP का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी बट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 9,990 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 9,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओनर इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है।
अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 1 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट यूर टाइम।